मैंने सबके लिए डोसा बना दिया है और मैंने अपने लिए भी डोसा बना लिया है तो, और मैंने अपने लिए टिक्की भी बनाई है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह हो चुकी है गैस और आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैं सो के उठी और मुझे पता चला है कि आज ही बना रही है आलू के परौठे। हाँ, आज आलू के परौठे बना रही हो? बना लिए? नहीं बनाए अभी, मेरा कहाँ है दी के हाथ के आलू के परौठे खाने हैं आज मुझे। ये ना हमेशा काम ना लीड लगा के मतलब करती है, क्योंकि बोलती है कि जब मैं सॉन्ग सुनती हूँ तो मैं ना ऑटोमेटिक अपना सारा काम ना बहुत जल्दी कर देती हूँ, है ना? ऐसा है क्या? बन गए परौठे? इसने किचन का हाल कैसा कर रखा है और परौठे बन चुके हैं। मैं शायद लेट उठी हूँ, है ना? परौठे बन गए हैं। किचन में क्या क्या काम रह गया? अभी साफ सफाई, बर्तन, देन नहाना धोना, खाना पीना। अच्छा, तो यहाँ पे तो दीका मतलब नाश्ता बन गया है, मैं थोड़ी देर बाद नाश्ता करने वाली हूँ। गाइस, भाई क्या कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? आज न्यूज़पेपर की मेन हेडिंग बताओ क्या आई है। मेन हेडिंग क्या है? मजदूरों बुजुर्गों को चुनावी सौगात। अच्छा, चल रहा है ना चुनाव? हाँ हाँ, चुनाव चल रहा है। और आदि का पाँव ठीक है? दिखा तेरा पाँव, ठीक है पाँव? गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सोने के बाद छत पे तो आती हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा ना ऐसे सर्दी लग रही है, तो चल रही है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो गाइस, और पीछे बुलडोजर चल रही है, घर बन रहा है ना, तो मुझे बुलडोजर गाइस सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए। बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत आती है। मैं सोने के बाद छत पर इसलिए आती क्योंकि मेरे को धूप की जो लाइट वो अच्छी लगती है लेना, तो आज बहुत ज़्यादा हवा लग रही है। और जब मैं रात को मतलब सोती हूँ तो मैं मतलब स्वेटर अपना उतार देती हूँ, सिर्फ अपना एक जो मैं टॉप डालती हूँ बस मैं, और मुझे अभी वही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी मुझे एक्सरसाइज भी करनी थी और मुझे लग रहा है मैं कैसे कर पाऊँगी, इतनी ज़्यादा तो सर्दी लग रही है यार। बताओ, भगवान जी भी सोचते नहीं है तो गाइस, यहाँ से तो मुझे आज बैठा ही नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो आज तो मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं पाऊँगी इतनी ठंड में, तो नीचे चलती हूँ नाश्ता कर लेती हूँ और क्या। देन इसके बाद मैं फिर रेडी होंगी, मतलब मुझे आज कहीं बाहर जाना नहीं है, पर जब भी शायद मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने अभी तक नाश्ता। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ले लिया अपना नाश्ता और मैं चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। नहीं, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, अंदर ही जाना है। यहाँ पे देखो चिनू क्या कर रहा है, आदि के साथ खेल रहा है चिनू। चिनू चिनू मतलब दोपहर हो चुकी है, कितना टाइम हो रहा है, 1 बज चुका है और मैं कहीं चली गई थी तो फोन चार्जिंग पे था तो इसलिए शूट नहीं कर पाई थी। क्या कर रहे हो? धूप के मजे। और यहाँ पे चीनू भी बैठा है, धूप में बैठ ली, अपना फेस दिखा, फेस नहीं खाती है, बिना मेकअप के रहती तो खैर फेस नहीं दिखाती, तू तो दिखा दे। आदि का जो इधर वाला जो ये जो दांत होता है वो टूट चुका है और मेरे को ऐसे दिखा रहा है। हाँ, तो अभी जैसे दी ने बनाया था सुबह परौठे बनाए थे तो सुबह ख़त्म ही हो गए थे, अब मुझे लग रही है भूख, तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने रात देखा था कि डोसा कैसे बनाते हैं, तो अब मैं डोसा बनाऊँगी। डोसा खाना है तुम लोगों को? तो मैं गाइस उनके लिए डोसा बनाती हूँ क्योंकि डोसा वगैरह बनाना तो मुझे आता है, तो चलती हूँ डोसा बनाने के लिए। अभी भी यहाँ पे डोसा बनाने के लिए मतलब आई रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, बहुत अजीब और गरीब थी, हरकतें कर रही थी, अब इसने करनी बंद कर दी। क्या कर रही थी अभी? ऐसे 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 कुछ कर रही थी, ऐसे कर रही थी, ऐसे नहीं, क्या कर रही थी, कर रही थी ऐसे तो कोई नहीं करता। तो डोसा बनाती हूँ गाइस इन दोनों के लिए, भाई के लिए भी बनाऊंगी, पर मेरा ना अंदर बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा, पता है बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है मेरी यहाँ ही कहने का। देखो चीनू काफी बैठा, देखो गाइस यहाँ पे चीनू बैठा है, इसे भी शायद सर्दी लग रही है। चीनू 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 रैकेट खेलेगा, हवा चल रही है ना।
इसलिए हम रैकेट भी नहीं खेलते थे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हवा चल रही है और वो एक तरफ ही चल सकती है, नहीं तो मेरे रैकेट खेलने का मजा है आराम से गिर जाऊंगी। ऐसी इसी कंडीशन की वजह से हम नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि अगर हम इधर घुमाएंगे तो इधर को जाएगा और इधर को नहीं, अगर हम इधर घुमाएंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, अगर हम इधर घुमाएंगे तो कुछ भी आपको भी वो रेसिपी शेयर करूंगी अगर तो अच्छी लगी तो उसको आप भी शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। मैं बोल रही हूँ तो चुप रहे, अगर हम इधर घुमाएंगे थोड़ी देर बाद लूंगी डोसा, लंदन पहुंच जाएगी। यहाँ पे दी के साथ ये क्या कर रहा है, हैंडशेक कर रहे हैं। वैसे आप लोग यहाँ पे आप लोग मेरे से बात नहीं करते हो, कैसे चलेगा आप मेरे से बात नहीं करते। तो गाइस डोसा बनाने का मैंने जो भी सामान था सब चीज रेडी कर ली है और डोसा भी मैं बनाने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान लगता है, सिंपल सा डोसा कैसे बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसमें बेसन है, यहाँ पे उसका जो मतलब डोसे में डालने के लिए यहाँ पे मैंने ली है आलू को, आलू वाली पिठी, और यहाँ पे सॉस, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, देन और आपका डोसा बन जाएगा। तो अभी मैं डोसा बनाती हूँ, चलती हूँ। ये गर्म हो चुका है, इसका करती हूँ तेज कर देती हूँ। डालेंगे ऑयल, ऑयल डालो आप थोड़ा सा, मतलब हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये नॉन स्टिक है ऐसे तोड़ना चाहिए चुकी है। देख सकते हो कितना अच्छा बना है मेरा डोसा। डोसा मैंने फर्स्ट डोसा मेरा रेडी हो गया और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, देख सकते हो आप। तो मैं देती हूँ आदि को, देती हूँ, उसको भूख लग रही है। डोसा अच्छा लग रहा है, अच्छा ये लग रहा है। खा के बता, अच्छा लग रहा है, वाकई में अच्छा लग रहा है। टेस्ट नहीं नहीं मैं बाद में टेस्ट करूंगी। आदि को तो अच्छा लगा है, अब मैं अपना सेकंड डोसा बना लेती हूँ दी को देने के लिए क्योंकि बहुत सारा बनाना है। बटर तो मैंने बहुत सारा, बैटर तो मैंने बहुत सारा कर लिया है। दोबारा से केचप लगाएंगे ऐसा, इसे क्या होता है चिपक जाता है क्या यार, टेस्ट आता है चिपक नहीं जाता, कुछ नहीं पता इसको। हाँ तो मैं वही तो चीज पूछी, वो किस लिए लगाया जाता है, टेस्ट के लिए चिपक के लिए। दी का भी रेडी हो गया, मैं दी को भी देने जा रही हूँ। ये ले दी। थैंक यू। टेस्ट करके देख कैसे लगा है। मैं भी टेस्ट करती हूँ। अमेजिंग। अच्छा बन रहा है? सुपर। गाइस दी ने भी अच्छा बताया मेरा डोसा, मैं और बनाती हूँ बाकी सबके लिए भी। मैंने सबके लिए डोसा बना दिया है और मैंने अपने लिए भी डोसा बना लिया है, तो अब मैंने अपने लिए टिक्की भी बनाई है। तो सबने तो वैसे अच्छा बताया, अब मैं चेक करके देखती हूँ कि कैसा बन रहा है। तो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ दी के पास। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा, देख सकते हो आप मेरा डोसा। मेरे को ये तो टेस्ट नहीं कराया, ये टिक्की बनाई है मैंने ना। अरे शोर मत मचाओ यार, मैं यहाँ पे व्लॉग शूट करती रहती हूँ और बाहर शोर मचाते रहते हैं। तो यहाँ मैं चेक करके देखती हूँ सबसे पहले अपना जो मैंने ये टिक्की बनाई है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे देखने में। डोसा तो मैंने खा लिया था और मैं सो गई थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं थक गई थी बना बना के, क्योंकि मैंने काफ़ी बनाए थे। अभी मैं उठी हूँ और पता है उठने के बाद मुझे पता चला कि इतना ज़्यादा हवा चल रही है गाइस, इतना ज़्यादा हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत ही सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। मैं ही हूँ घर पे क्योंकि दी और आदि गए हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए, भाई भी बाहर गए हैं और मम्मा भी, मैं ही हूँ। और मैं सोच रही मैं बोर हो रही थी क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और देखो यहाँ पे चीनू कैसे बैठे, चीनू तुझे ठंड लग रही है? हाँ ठंड लग रही है तुझे? हाँ हाँ
ठंड लग रही है, क्या हो गया? हाँ क्या हो गया तुझे? देख सकते हो सीनू को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी। गाइस मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी ख़त्म हो गई, 12% है। तो गाइस आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और अगर अच्छी लगी है तो व्लॉग को करना लाइक, कमेंट, शेयर, और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। और हाँ गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, इंस्टाग्राम आईडी है श्वेता में। तो जब मिलते हैं बहुत ही जल्दी से एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।